Hello, my YouTube viewers. I hope you will be fine and welcome back to my channel. So, now we learn about how to fade to image in Pixel Lab. So, open the Pixel Lab first of all and select the plain page and select the image from gallery. Now, I select the image from gallery 1.1 ratio. एंड सिलेक्ट सो इसमें हम ऐसे भी रैलेटि रेलेटिव पोजिशन को चूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी रेलेटिव साइज का ऑप्शन है कि आप इसको मूव ऑन कर सकते हैं ठीक है तो हमने अपनी इमेज को फेड करना है सो नाउ आई सिलेक्ट माई पिक्चर फ्राम गैलरी वन पॉइंट वन रेशो एंड सिलेक्ट सो so, इसमें मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ कि ये देखें अगर आप इस इमेज को ऐसे ही इसके ऊपर लेकर आते हैं तो ये जो है फेड नहीं होती मर्ज नहीं होती ब्लर नहीं होती ठीक है सो so, इसमें हमने इस पिक्चर को कर देना है कट आउट ओके नाउ आई सिलेक्ट द शेप डिपेंड ऑन यू सर्कल शेप ओके देन आई चूज द ग्रेडियंट कलर क्लिक द प्लस ऑप्शन क्लिक हेयर ओके एंड चूज़ द कलर सो हम इसमें इस कलर को भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन ये हमारे पास है पिन का ऑप्शन ठीक है हमने अपनी जो पिक्चर है उससे कलर सिलेक्ट करने हैं चूज़ करना है तो यहाँ पे आप कोई भी कलर जो है चूज़ कर सकते हैं आपको कॉर्नर में कलर शेप्ड नज़र आ रहे हैं ठीक है सो आई सिलेक्टेड एंड ओके एंड देन आपने इस पे आना है और इसको क्लिक करना है कलर चूज द पिन इट एंड चूज द कलर हमने टू कलर्स इसमें चूज करने हैं आप कोई भी कर सकते हैं इसमें ठीक है ऐसे एंड सिलेक्टेड इसमें आपने क्या करना है ये जो आपके पास लास्ट वाला जो लेयर है इसमें आपने इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देना है क्योंकि हमने फेड इमेज देना है ओके एंड ओके सो आई सिलेक्ट द सर्कल ब्लर इसमें आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ठीक है ये देखें ऐसे लेकिन हमने सर्कल में लेना है आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे आप इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं ठीक है सो ओके ये देखें आपके पास ये शो हो रहा है एंड ओके देन देन हमने इसमें पिक्चर शो करनी है जो रैबिट की पिक्चर थी मैंने आपको दिखाया थे बिफोर मैंने आपको इसमें दिखाया था अब हम आफ्टर इसमें देखेंगे कि वो कैसे ब्लर होता है आपने इसको क्लिक करना है एंड सिलेक्ट द टेक्सचर अब इसमें हम जो आप टेक्सचर इसमें यूज़ करना चाहते हैं जो ब्लर करना चाहते हैं वो पिक्चर हम इसमें यूटिलाइज़ करेंगे ओके आई सिलेक्ट माई पिक्चर फ्रॉम द गैलरी आई सिलेक्ट माई पिक्चर ओके एंड वन पॉइंट वन रेशो जितना आप इसको कर सकते हैं ओके देन ओके ठीक है अब इसमें टेक्सचर के ऑप्शन पे आना है और आपने इसको इनेबल कर देना है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन जब आप इसको मूव करेंगे तो ऐसे आएगा और आपने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है ठीक है सो आवर वीडियो इज़ डन सो एट द लास्ट आपने इसमें टू लेयर्स के ऑप्शन पे आना है आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है ठीक है एंड सेव इट सेव एज अ प्रोजेक्ट पेड टू इमेज इसमें आपको ये ऑप्शन होता है कि आप तो प्रोजेक्ट में जाके किसी भी पिक्चर को इसमें फेड कर सकते हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव एज इमेज सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू इन माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सी यू टू अल्लाह हाफिज़